वंदे मातरम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यात्रा पथ पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज यानी 8 तारीख को सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में चार धाम यात्रा की मामले को लेकर, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही चालाकी दिखाते हुए यात्रा को 15 तारीख के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। यानी कि अब चारधाम यात्रा का मामला जो भी है, जो सुनवाई होगी, उसका अंतिम निर्णय 15 तारीख यानी कि 7 दिन के बाद ही आएगा। किंतु उसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि आज नैनीताल हाईकोर्ट में भी सुनवाई है, किंतु नैनीताल हाईकोर्ट का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आगे वो कुछ नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही अंतिम निर्णय मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ही सबसे बड़ा कोर्ट होता है। उनका कहना यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ही मानेंगे। इस तरह से नैनीताल हाईकोर्ट ने भी अपना पल्ला झाड़ते हुए सारा का सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के कंधों पर डाल दिया है। तो दोस्तों, आप पिछले काफी दिनों से देखते हुए आ रहे हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में मामला अभी तक लटका हुआ है, कोई भी निर्णय देने में असमर्थ है चारधाम यात्रा को लेकर। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं कि अब चारधाम यात्रा को सिर्फ और सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं। नवम्बर में कपाट बंद हो जाएंगे शीत ऋतु शुरू होने के कारण। तो दोस्तों, आखिरकार समझ ही नहीं आ रहा है कि चारधाम यात्रा को शुरू क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि सभी कुछ ओपन है। पर्यटन स्थलों में आप जाकर देख सकते हैं, किंतु चारधाम यात्रा को शुरू नहीं करने का निर्णय अभी तक श्रद्धालुओं की समझ में नहीं आया है। बस मामले को आगे से आगे तिथि देकर बढ़ाया जा रहा है, कभी 8 तारीख, कभी 10 तारीख, कभी 15 तारीख। तो दोस्तों, हम बस यही उम्मीद लगाए हुए हैं कि अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट से 15 तारीख को हमें एक बार फिर से तारीख मिलती है, या फिर हमें यात्रा शुरू होने की एक निश्चित तिथि मिल जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, अब देखना यही है कि यात्रा इसी महीने शुरू हो पाएगी, या फिर यात्रा फिर एक बार फिर से अगले महीने के लिए टाल दी जाएगी। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप चैनल पर पहले से हैं तो चैनल को सहयोग प्रदान करें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई अपडेट के साथ। आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और हाँ दोस्तों, कमेंट में लिखना ना भूलें जय श्री केदार, जय श्री बद्री विशाल, हर हर महादेव, जय माँ गंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। मिलते हैं फिर कल नई अपडेट या नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।